जागरण हाईटेक के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सैम और आज हम बात करने वाले हैं देश की पॉपुलर कार के बारे में, वो गाड़ियां जो कि वॉल्यूम के मामले में सबसे ज्यादा अव्वल रहती हैं और टॉप 5 में या यूं कह लीजिए टॉप 10 में जो सबसे ज्यादा नाम होते हैं वो होते हैं मारुति सुजुकी के। 10 में से 8 गाड़ियां अमूमन जो होती हैं वो मारुति सुजुकी की होती हैं और हैचबैक का उसमें बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि भारत जो है वो है छोटी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा बाजार। और उन छोटी गाड़ियों में जो सबसे ऊपर रहती हैं, अगर हम जनवरी की बात कर लें तो मारुति की जो 2 गाड़ियां सबसे ऊपर हैं, पहली पायदान पे वैगन आर, 3-4 महीनों से वही सिलसिला आ रहा है और काफ़ी टाइम से जब से ऑल्टो को बादशाह से हटाया वैगन आर ने तब से वही टिकी हुई है। और दूसरे नंबर पर है ये गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। एक प्रीमियम हैचबैक जो कि एक दशक से, या यूं कह लीजिए कि 2005 में मई का महीना था जहां तक मुझे याद है जब इसको पहली बार भारतीय मार्केट में उतारा गया था, तब से लेकर अब तक इसके बदलाव आते रहे हैं। 2018 में जो आखिरी सबसे बड़ा बदलाव आया था जब इसके पूरे प्लेटफॉर्म को चेंज किया, हर टेक प्लेटफॉर्म वही जो कि डिज़ायर में इस्तेमाल होता है उसका इसमें इस्तेमाल हुआ, इसका वेट कम किया गया, नया इंजन लगाया गया और गाड़ी जिस तरह से तब थी 2005 में, स्पोर्टी नेचर जो था इसका वो अब तक बना रहा और बाकी सब कहानी है, इतिहास है। ये अब भी हर महीने 20,000 से ज़्यादा गाड़ियां बेचती है। तो क्या इस गाड़ी के कंपटीशन में कुछ मौजूद है? तो मैं कहूँगा कि इस महीने के सेल्स चार्ट में ही वो जवाब मौजूद है, क्योंकि अब भारतीय मार्केट में कुछ ऐसा आ चुका है जो कि टॉप 10 में अपनी जगह सिर्फ कुछ महीनों में ही बना चुका है और वो है टाटा की पंच। बॉल पकड़ लिया टाटा ने, जी हाँ, और पंच को मैदान में उतार दिया है। कीमत से शुरुआत कर लेते हैं, 5.64 लाख से कीमत को शुरू किया गया है और उसका जो टॉप वेरिएंट है उसके लिए आपको 8.77 लाख या माफ कीजिए 8.98 लाख कीमत बढ़ चुकी है और 9 लाख के करीब एक शोरूम तो पहुंची है। साथ में अगर 2 और छोटे छोटे पैकेज हैं उसे 15 और 25 हज़ार का इजाफा, और यानी 10 लाख के नीचे नीचे इसका टॉप वेरियंट आपको मिल जाता है। ये एक माइक्रो SUV का तमगा दिया गया है, मार्केटिंग के लिए कह सकते हैं। ये प्रीमियम हैचबैक को टक्कर देती है और ये सब कॉम्पैक्ट SUVs को भी टक्कर देती है। तो गाड़ी में दम है, इसमें 1200 cc का इंजन लगा हुआ है और माइलेज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर करीब 18 दशमलव कुछ की माइलेज है जो कि बाजार में इसकी ARAI स्टैंडर्ड दिए गए, यानी कि माइलेज अच्छी है, देखने में खूबसूरत है, टक्कर दे सकती है ना मारुति सुजुकी स्विफ्ट को। लेकिन प्राइस के मामले में भी बॉल इज स्टिल इन मारुति सुजुकी कोर्ट, क्योंकि कीमत देखिए, खेल देखिए। अगर आप बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो यहां पर कीमत है 5.90 एक शोरूम के साथ शुरुआत, जो कि आपको लगेगा कि टाटा की जो पंच है उससे ज्यादा है क्योंकि वहां 5.64 थी। लेकिन जरा टॉप वेरिएंट देखिए और आप समझ जाएंगे कहानी। यहां पर जो टॉप वेरिएंट है उसकी एक शोरूम कीमत है 8.77 लाख और वहां पे ज्यादा पड़ रही है, करीब 20,000 रुपए आपको टाटा पंच में अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। यहां पर भी आपको मिलेगा एक उम्दा इंजन, माइलेज ज्यादा बेहतर मिलेगी, यहां पर आपको मिल रही है 23.75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, यानी माइलेज के मामले में ये मारती है उससे बाजी, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों यहां पर भी मौजूद है, वेरिएंट्स की यहां पर कोई कमी नहीं है, दोनों ही जगह पर डीजल का तो विकल्प है ही नहीं। तो कुल मिलाकर टक्कर जो लग रही है बिल्कुल बराबर की, मजा कब आएगा जब दोनों होंगी आमने सामने। यस, दिस इज द फाइट बिटवीन जागरण हाईटेक कार ऑफ द ईयर 2021 टाटा पंच एंड अनडाउटेडली मारुति की कार ऑफ द डेकेड जो कि पिछले दसियों सालों से मार्केट लीडर बनी हुई है। देखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत कार और जिसमें अभी भी कोई डुप्लीकेशन नहीं है, डाइल्यूशन नहीं है, अभी भी वो फ्रेश अप्रोच, वो क्लीन ग्रीन, वो रेड कलर की जो शान है ना वो अभी भी बरकरार है। डिजाइन अपनी पसंद है, एक गाड़ी प्रीमियम हैचबैक है तो दूसरी गाड़ी माइक्रो SUV, यानी कि दूसरी गाड़ी को डिजाइन करते वक्त मार्केट में मौजूद जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ लेके और खुद अपनी जो मार्केट में बेस्ट सेलिंग गाड़ियां हैं उनमें से कुछ ना कुछ लेके मिला जुला के एक ऐसी गाड़ी तैयार की गई जो कि देखने में बेहतर हो, यानी कि
कुछ ना कुछ डुप्लीकेशन या फिर यूं कहिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट में मौजूद है वो आपको नजर आएंगी। देखने में नो डाउट टाटा की पंच भी एक बहुत अच्छी गाड़ी है और SUV सेगमेंट जहाँ पर इस वक्त लोगों का झुकाव है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है, यानी कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको, एक टॉल बॉय स्टांस दिखता है आपको, रूफ रेफ जो कि आप देख सकते हैं वो आपको दिखाई देंगे, साथ में हाई हुड के साथ आपको बड़े व्हील आर्चेस और चौड़े टायर। मारुति कभी चौड़े टायर देता ही नहीं, उसकी वजह कुछ और है, माइलेज, लेकिन क्लीन कंप्लीट गाड़ी अगर अब भी आप कहेंगे, जो कि देखने में सालों से मार्केट में सड़कों पर मौजूद है और फिर भी बेहतर लगती है, और उसका डुअल टोन और लाल और काले का ये जो मैच है, इट इज़ समथिंग दैट इज ऑलवेज देयर ऑन माय स्क्रीन, वेदर इट्स गोना बी लैपटॉप और माय मोबाइल। तो डिज़ाइन के मामले में अब भी मारुति की स्विफ्ट हैज़ एन एज ओवर द टाटा पंच। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर्स, यहाँ पर ना आपको इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी काफ़ी टाइम से मार्केट में मौजूद है। 2018 था जो आखिरी बदलाव था, जबकि इसके कंपटीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक नई गाड़ी है, 2020 अक्टूबर में उसको लॉन्च किया गया टाटा पंच, राइट। अब ऐसे में इंटीरियर्स में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर टच स्क्रीन जो है वो बड़ा है, पंच से बेहतर है, लेकिन इंटीरियर जो है वो ऑल ब्लैक दिए गए हैं, ऑल ब्लैक इंटीरियर है जो आपको मिलेगा, प्लास्टिक क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं मिलेगी। प्लीज़ डू कीप इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब 10 लाख कार, अ प्रीमियम हैचबैक, ठीक है। और गाड़ी का वेट जो है उसको हल्का किया गया है जिसका फ़ायदा हम देखेंगे। तो जो बॉडी की बात करूँ तो वो इतनी ज़्यादा आपको लगेगा कि मजबूत नहीं है, लेकिन और गाड़ी चलाते वक्त भी आपको थोड़े बहुत कहीं पर उसके गैप्स की जो वॉइस होती है वो भी आपको सुनने को मिलेगी। कुल मिला के स्टोरेज स्पेसेस मौजूद है लेकिन बहुत उम्दा इस्तेमाल नहीं है, स्टोरेज की भी मैं अगर बात करूं, ग्लव बॉक्स में भी डिसेंट स्पेस है, आपको अपनी ड्राइवर पोजीशन आसानी से मिल जाती है, एंड अगेन दिस इज अ प्रीमियम हैचबैक, तो सीटिंग पोजीशन जो है वो लो है, आजकल सबको हायर स्टांस पसंद है, SUV लाइक सीटिंग पोजीशन पसंद है, और अगर वो चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा टाटा पंच में। यहाँ पर साफ बाजी मार जाती है टाटा पंच इंटीरियर्स के मामले में कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ इंटीरियर्स देने की कोशिश नहीं की गई, सुविधा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि यहाँ पे पेंटिंग करने की कोशिश की गई है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन डालने की कोशिश की है, खूबसूरती से इसको पिरोया गया, अलग अलग रंग दिए गए हैं, तो इट्स अ डिज़ाइनर डिलाइट ऑल्सो। ऑब्वियसली पुरानी गाड़ी से बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ पर भी बहुत कुछ सीखा है, फिर वो चाहे AC वेंट की पोजीशनिंग हो, उसका शेप हो, एर्गोनॉमिक्स हो, गियरबॉक्स की पोजीशनिंग हो, स्टोरेज स्पेसेस का बढ़िया इस्तेमाल हो, या फिर प्लास्टिक क्वालिटी हो, और कनेक्टेड कार फीचर जो कि आपको इसी में मिलेंगे। हाँ टच स्क्रीन थोड़ा छोटा ज़रूर है लेकिन उम्दा है, इस्तेमाल करने में आसान है, और आपको आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट है, वो चाहे फिर स्टेयरिंग व्हील अलाइनमेंट हो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग हो, ये सब चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो कुल मिला के इसमें ना चीज़ें भर के डालती हैं, वॉइस कमांड से लेकर आपको IRA कनेक्टेड इतने सारे फीचर्स मौजूद हैं कि आप इस गाड़ी में बैठकर खेल सकते हैं, अपना वक्त बिता सकते हैं। सो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस ईजिली टाटा की जो पंच है वो बाजी मारती है। जब आप शोरूम जाएं तो हर पैमाने पर गाड़ियों को चेक ज़रूर करें दोस्तों, और रिव्यूज़ आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो बता रहे हैं, उन सभी का सुने, सभी से लें और उन सभी से ज्ञान बटोर कर शोरूम जाकर अपने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से हैं उनसे बात करें, और उसके बाद ठोक परख कर अपनी गाड़ी लें। बूट स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी टाटा की पंच जो है वो कागज़ों पर तो बाजी मारती ही मारती है, हमने इसका लगेज टेस्ट किया, वहाँ पर भी टाटा की पंच ने बाजी मारी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पेस है 268 लीटर का और यहाँ पर बूट स्पेस है 366 लीटर का, तीन बैग हम बड़ी आसानी से रखने में कामयाब रहे। तो प्रैक्टिकलिटी और स्पेस के मामले में टाटा पंच इज़ एन इंटेलिजेंट कार, एक्सेप्ट द सेकंड रो जहाँ पर मारुति की स्विफ्ट में आप लंबे सफ़र पर ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पर आपका शोल्डर नहीं कटता। कितना देती है इस मामले में मारुति सुजुकी को बीट कर पाना बेहद मुश्किल है, माइलेज के मामले में बाजी वही मारती है, यहाँ पर भी अच्छी माइलेज है लेकिन जो ये गाड़ी
मुहैया करा रही है करीब 18.93, यानी कि आपको हमने जब इसको टेस्ट किया तो हम 14 से 15 की माइलेज सिटी और हाईवे कम्यूटिंग मिला के बाद बता रहा हूँ हम ले पाए थे, यानी कि गाड़ी उम्दा है। इंजन की अगर बात करें तो दोनों में पेट्रोल इंजन है, दोनों में 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन एक में 3 सिलेंडर एक में 4 सिलेंडर है, और जो टाटा की पंच है वहाँ पर पावर थोड़ा सा कम है। वो पावर जो आपको सीटिंग पोजीशन में मिलती है, यानी कि एसयूवी स्टाइल सीटिंग पोजीशन, अच्छा ग्लास एरिया, अच्छा लुकिंग रूम, और वो जो एसयूवी सीटिंग फील की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको टाटा पंच में मिलती है। यू फील पावरफुल, बट देन दैट पावर इज नॉट देयर व्हेन यू कंपेयर इट विथ द सुजुकी स्विफ्ट 1.2 लीटर इंजन, क्योंकि वहाँ पर जो है 88 की पावर है और यहाँ पर 84 है, और उसके अलावा जो टाटा की पंच है वो मारुति की स्विफ्ट से करीब 100-150 किलोग्राम भारी भी है। तो चलाने का अगर आपको मज़ा चाहिए तो वो आपको आएगा स्विफ्ट में, कहीं भी किसी तरीके भी रास्ते पे निकल जाइए। हाँ, अगर रास्ते हैं ज़्यादा उबड़ खाबड़ तो वहाँ पर टाटा की ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, वजह ग्राउंड क्लियरेंस। बट लंबी ड्राइव के लिए, स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए, दैट स्पोर्टी फील के लिए आपको स्विफ्ट ज़्यादा काम करती है, अच्छी माइलेज के साथ, भूलिएगा नहीं माइलेज को, तो उस मामले में स्विफ्ट ज़्यादा बेहतर कार है। पेट्रोल इंजन की अगर बात करूँ तो अनडाउटेडली मारुति का जो पेट्रोल इंजन है वो ज़्यादा बेहतर है। कहानी पेट्रोल की है, लेकिन भुला नहीं सकते कि स्विफ्ट में ना इससे पहले एक 1.3 लीटर का मल्टी जेट इंजन आता था, बहुत ही उम्दा इंजन था। लेकिन अब खैर कहानी बदल चुकी है, अब तो सिर्फ पेट्रोल पेट्रोल की बात होती है, और ऐसे में यहाँ पर भी रिफाइनमेंट के मामले में भी आपको जो स्विफ्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। इट्स वेरी क्लियर, वेरी स्मूथ, नो प्रॉब्लम। गेयरबॉक्स जो है वो भी मुझे स्विफ्ट का जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा पंच के मुकाबले, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पंच आपको कुछ ऐसी चीज़ें देता है जो कि स्विफ्ट नहीं दे सकती, खासकर एक अच्छा राइडिंग पोजिशन और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। एक एक बात, कुछ चीज़ें जैसे कि टायर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको चौड़े टायर मिलते हैं, मारुति कभी भी अपनी गाड़ी में ज़्यादा चौड़े टायर देता नहीं है माइलेज बचाने के लिए, तो रोड पर जो ग्रिप है वो ग्रिप आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और आप ऑफ रोडिंग या थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग पर जाते हैं वहाँ पर भी टाटा की पंच जो है वो मारुति से 20 साबित होगी। कस्टमर इज़ द किंग एंड कस्टमर इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन, अगर ऐसा है तो वॉल्यूम्स चार्ट ही आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि किस गाड़ी में कितना दम है। 20,000 गाड़ियां महीने में बेचती है, वो भी इतने सालों से बाजार में होने के बावजूद, और ये अभी अभी बाजार में आई है और तब भी 10,000 बेचने में कामयाब रही है, यानी कि ये कल का वो सच है, वो इतिहास है जो कि बड़ा सुनहरा है, ये आने वाले कल का वो सच है जो कि बहुत सुनहरा दिख रहा है। पसंद अपनी अपनी है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान वो हमने आपको बता दिया है, दिखा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली अच्छी सेफ्टी पैकेजिंग के साथ नए फीचर से लोडेड गाड़ी चाहिए तो टाटा की पंच डोंट गो एनीवेयर। और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि माइलेज में बेहतर हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हो, अच्छी आफ्टर सेल्स और रिलायबिलिटी के साथ, तो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और ऐसे वीडियो आप और देखना चाहते हैं, हमारे साथ अपने विचार साझा करने चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है, हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो सुझाव हैं उन्हें हमारे साथ साझा कीजिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।